सबको झटका देने वाले सीएम योगी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है। ठाए ठाए ठोको, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वगैरह अन्य तमाम तरह की स्टाइल में काम करते हुए योगी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा NSA के तहत 120 मामले दर्ज कराए, जिसमें से कोर्ट ने 94 को एकदम रद्द कर दिया। और कोर्ट ने इन सभी मामलों की सुनवाई में अपने फैसलों में साफ कहा कि जनवरी सन 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक NSA के तहत 120 मामले दर्ज कराए गए थे। रद्द किए गए 94 मामलों में 32 मामले तो DM की तरफ से दर्ज कराए गए हैं। इसके अलावा इन मामलों में कैद किए गए लोगों को भी कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने NSA जैसे संगीन अधिनियम का दुरुपयोग किए जाने पर भी सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पुलिस की FIR में जरूरी जानकारियां कट पेस्ट की गई है, मतलब जानकारियां बिना तर्कों तथ्यों के जोड़ी गई हैं। बड़ी जल्दी में रहती है ना UP पुलिस, अभी तक तो पता था कि मुंह से ही तेज है, अब पता चला कि लिखा पढ़ी में तो और तेज है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से महरूम रखना यानी दूर रखना और कानून का बार बार इस्तेमाल कर उन्हें जमानत न देना, इस पर कोर्ट ने योगी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए ऐसे सभी आदेशों पर रोक लगा दी है। सरकार की आंतरिक रिपोर्ट के इन मामलों में से 41 मामले गोहत्या से संबंधित हैं, जिनमें सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इन पर गोकसी का आरोप है, इनमें से जिलाधिकारी की तरफ से केस दर्ज कराए गए थे। इसे लेकर कोर्ट ने योगी सरकार की तरफ से गोकसी के 30 मामलों में लगाए गए NSA को रद्द कर दिया। वहीं 11 मामलों में से एक को छोड़कर अदालत ने आरोपियों की हिरासत बरकरार रखी है। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बाद में आरोपियों को जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इन मामलों में न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं थी।